न जाने कितने संघर्ष जीवन में एक साथ झेल रहे हैं। और गीता के पहले अध्याय की शिक्षा यही है कि बाहर के तमाम संघर्षों की जड़ हमारे भीतर है। इसलिए जब तक हम भीतर की जड़ को पहचान कर उससे निकाल नहीं देते, तब तक बाहर के संघर्ष मिटने वाले नहीं हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि हर संघर्ष समय व ऊर्जा तो खाते ही हैं, साथ में दिमाग भी खराब करते हैं। सो जीवन से संघर्ष कम करो, क्योंकि तभी आप कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। इससे तो आप पीछे दिए गए चार्ट को भरो, यह आपके संघर्ष कम करने में सहायक सिद्ध होगा। नोट: जीवन में संघर्ष 50 भी हो सकते हैं, परंतु पहले अपने प्रमुख 5 संघर्षों के बाबत लिखो। इससे आपको सबसे पहले किन दुश्मनों को परास्त करना है ये समझ में आ जाएगा। फिर उन संघर्षों की भीतरी जड़ को पहचान कर लिखो। ये थोड़ा भीतर मनन करके लिखना, क्योंकि अधिकांश बाहरी संघर्ष भीतरी इच्छा, अपेक्षा, भय, जिद, अहंकार, गुलामी, मान्यता, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, जलन वगैरह के कारण होते हैं। सो जिन संघर्षों से जान छुड़ाना चाहते हो, उनके भीतरी कारणों को हटा दो, बाहर संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और फिर बाहर संघर्ष टले या न टले, भीतरी जड़ पर विजय पाते ही वे संघर्ष आपको भीतर से परेशान करना बंद अवश्य कर देंगे। 19